आज हम बनाएंगे अल्टे पल्टे का सालन, जो कि खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। और मैं आपको इसका एक बहुत ही आसान तरीका बताऊंगी बनाने का, क्योंकि क्या होता है अल्टे पल्टे सबको बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं, लेकिन जब बनाने का नंबर आता है तो सोचते हैं पता नहीं कैसे बनेंगे और बहुत ज़्यादा मतलब परेशान से हो जाते हैं लोग बनाने में। लेकिन ये इतना ज़्यादा ईजी बताऊँगी मैं आपको बनाना, जो कि आपके अल्टे पल्टे एकदम परफेक्ट बनेंगे। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है एक बड़ा बाउल, और मैंने इसमें डाला है एक कटोरी, जो मेरे पास बड़ा वाला जो बाउल है, तो उसमें मैंने एक भर के मैंने बेसन ले लिया था, वो इसमें मैंने डाल दिया है। और मैंने ली है कश्मीरी लाल मिर्च एक छोटा चम्मच, और मैंने इसमें डाला है नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, कुटी हुई लाल मिर्च डाल देंगे ये एक छोटा चम्मच, ये बस में बहुत अच्छी लगती है। और मैंने लिया है भुना हुआ जीरा, जीरे को मैंने भून के हल्का सा रोस्ट करके और उसके बाद पीस के इसमें डाल दिया है। तो आप भुना जीरा ज़रूर डालें, इसमें इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। और मैं डाल दूंगी एक चम्मच के करीब इसमें बारीक कटी हुई हरी मिर्च डाल देंगे, और ये मेरे पास है चॉप्ड अनियन, तो एक छोटा अनियन लिया था मैंने, उसको मैंने बारीक काट लिया है, और ये इसमें डाल देंगे। बस सारा के सारा ही डाल देते हैं, मतलब ज़्यादा नहीं है, एक छोटा वाला साइज़ का अनियन लिया था मैंने, तो वो मैं इसमें डाल रही हूँ। और यहाँ पर है हमारे पास हरे धनिए के पत्ते, तो बारीक काट के ये मैंने इसमें डाल दिए हैं। तो हरे धनिए के पत्ते ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन बस मैंने डाल दिए थे क्योंकि इसका कलर बड़ा अच्छा सा आता है इसमें, तो इससे अगर आप नहीं डालेंगे तो टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं आएगा। तो बस अब हम इसमें पानी डाल के थोड़ा थोड़ा इसका एक जो है बैटर तैयार करना है हमें, जैसे कि हम पैनकेक की तरह पैनकेक में बनाते हैं ना, तो उसी तरीके से थोड़ा पतला इसका एक हमें बैटर तैयार करना है। देख लीजिए बिल्कुल इसी तरीके से जैसे मैंने बनाया है, इतना ही पतला रखना है आपको, बस गाढ़ा ना करना है ज़्यादा। बस इसको मैं रख दूंगी ढक के 10 मिनट के लिए, इसे रेस्ट के लिए रख देंगे ताकि इसमें अच्छे से बबल्स आ जाए और जो हमारे अल्टे पल्टे बने एकदम परफेक्ट से बन जाए। तो जो बस हवा हमने ले लिया है यहाँ पर पैन, और पैन में मैं हल्का हल्का ऑयल लगा दूंगी। तो ये जो है अल्टे पल्टे बनाना बहुत ज़्यादा इजी होते हैं, तो बस आप देखें पूरी वीडियो जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि आप कैसे बना सकते हैं बहुत ही इजी तरीके से। तो हल्का मैंने इसके अपने पैन को मैंने गरम कर लिया, और गरम गरम पैन पे अच्छे से मैंने ये बैटर डाल दिया है, जैसे हम पैनकेक बनाते हैं या फिर कोई भी चिल्ला बनाते हैं बस उसी तरीके से बनाना होता है। बहुत जल्दी बन जाते हैं और बहुत ही ईजी है, इतना ज़्यादा हार्ड नहीं है ये बनाना। तो बस देखिए हमारा जो है मैंने पैन उसका पैनकेक बोल रही हूँ मैं, मतलब मेरा जो अल्टे पल्टे का बैटर था वो मैंने इस पर डाला, और इसको मैंने अच्छे से इसको सिकने दिया पहले, जब हमारा ऊपर से भी हल्का हल्का इस पर मतलब कलर आ जाए और ये गल जाए बिल्कुल मतलब पक जाए ऊपर से, तब तक हमें इसे पकाना है। थोड़ा सा यहाँ पर हम गैस की फ्लेम लो ही रखेंगे और हल्का हल्का इसको सेक लेंगे, और ऊपर से भी हल्का हल्का पक जाएगा तभी हम इसको पलटना शुरू करेंगे। तो देखिए इसी तरीके से हमें पलट के इसको अल्टा पलटा एक हमारा तैयार हो चुका है, बिल्कुल परफेक्ट, बिल्कुल इसी तरीके से देखिए कितना अच्छा बन के तैयार हुआ है ना, और कितना इजी है, देखिए कितने अच्छे तरीके से बनाया है, बिल्कुल इसमें बिल्कुल मतलब बिल्कुल भी कच्चा नहीं है, बिल्कुल परफेक्टली गला हुआ है अंदर तक। तो बस इसी तरीके से मैंने अपने 3 अल्टे पल्टे तैयार कर लिए थे, बिल्कुल वही प्रोसीजर रखा था मैंने, और उसी तरीके से मैंने 3 बना लिए अपने अल्टे पल्टे। अब हम क्या करेंगे, इनको हम कट कर लेंगे इस तरीके से। तो आप देख लीजिए इस शेप में ही काटे हैं आप, ये शेप बहुत अच्छा लगता है इसका, तो इसी तरीके से आप काट लें इनको उल्टे पुल्टे को, सच में ये इतने ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। और जब हम इसे खाते हैं ना तो मतलब कुछ कुछ इसका टेस्ट ऐसा लगता है जैसे हम मछली का सालन खा रहे हैं, तो मछली के सालन जैसे हम तो जब हम छोटे थे तो हम तो ऐसे सोचते थे कि मम्मी ने हमारी आज मछली बनाई है शायद। तो देखिए कितने अच्छे तरीके से मैंने इसके शेप बनाए हैं, तो इसी तरीके से आप भी शेप बना लें, ईजी है ना बनाना, बहुत इजी भी है और बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं ये, बहुत ज़्यादा। तो मैं तो ये जब मैं छोटी थी जब हमारी मम्मी बनाती थी तो आधे तो हम ऐसे ही खा जाते थे इसको कच्चे ही मम्मी से ले लेके, तो हमें ये ऐसे भी बहुत अच्छे लगते थे, थोड़ी सी चटनी के साथ ही ऐसे भी बहुत मज़ेदार लगते हैं, लेकिन आप मत खाइएगा सालन बना के ही खाइएगा। तो बस अब हम क्या करेंगे, मसाले की तैयारी करेंगे अपना, जो हमें मसाला भूनना है उसके लिए मैंने 2 टमाटर लिए हैं और 1 मैंने प्याज लिया है, और उसको मैंने मिक्सी में डाल के मिक्सी के जार में इसको मैंने बारीक पीस लिया है इस तरीके से। तो बस अब हमारा ये मसाला जो है हमारे मसाला भूनने में काम आएगा। तो मैंने यहाँ पर एक भगोना चढ़ा दिया है, और इसे हम खुले बर्तन में ही बनाएंगे, कुकर में बनाने की इसे ज़रूरत नहीं होती है। और यहाँ पर मैंने 2 बड़े चम्मच सरसों का तेल डाला है, हम सरसों का तेल यूज़ करेंगे इसमें, और सरसों के तेल में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं ये। तो बस देखिए जैसे ही हमारा तेल गर्म हुआ हमने इसमें डाल दिया अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चम्मच भर के,
और ये हमारे पास ये टमाटर और प्याज का पेस्ट था, वो मैं इसमें डाल दूंगी और इसको भी हम अच्छे से भून लेंगे। बहुत ही इजी वाला, मतलब इतना ज़्यादा हार्ड नहीं है। मैं सोच रही थी जब मैं बनाऊँ कैसे बनाऊँगी, लेकिन जब मैंने बनाया तो बहुत इजी तरीके से तैयार हो गए थे ये। तो बस हल्का हल्का से इसे भून लेंगे। इसके बाद हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। तो मैंने ले लिए हैं यहाँ पर पिसा हुआ गरम मसाला, आधा छोटा चम्मच ली है मैंने हल्दी ली है, एक आधा छोटा चम्मच जीरा और एक चम्मच लाल मिर्च और धनिया पाउडर 1 चम्मच बड़ा, और मैंने तो तेज पात के पत्ते लिए हैं 2। तो बस अब ये हम सारा मसाला इसमें डाल देंगे और इस मसाले को हम बहुत अच्छे तरीके से भून लेंगे। तो बस आपको ये ध्यान रखना है, मसाला बहुत अच्छी तरीके से भुना होना चाहिए, बहुत अच्छी तरीके से इसे भूनना है हमें। और यहाँ हम डाल देंगे अपने टेस्ट के हिसाब से नमक डाल देंगे, और नमक डालने के बाद अब हमें इसमें कुछ नहीं करना है, बस इस मसाले को हमें बहुत अच्छी तरीके से भूनना है जब तक इसमें बहुत अच्छी से स्मेल नहीं आ जाए भुनने की, मसाला भुनने की। तब तक हम इसे भूनते रहेंगे मसाले को। बस अब मैं इसे थोड़ी देर के लिए ढक के भूनूंगी, ताकि क्योंकि क्या होता है जब हम मसाला भूनते हैं तो इसमें से बहुत ज़्यादा छींटे उड़ती है, तो इस वजह से मैंने इसको ढक के भूना है। तो देखिए थोड़ी देर में हमारा मसाला एकदम भूनने लगा है और इसमें से बहुत ही अच्छी सी खुशबू आ रही है मसाला भुनने की। तो यहाँ पर हम इसमें पानी ऐड कर देंगे। मसाले को हमें बहुत अच्छी तरीके से भुनना है, बिल्कुल भी कच्चा ना रहे मसाला, क्योंकि हम लोग इसे ढक्कन लगा के या फिर कुकर में प्रेशर कुकर में तो नहीं पकाएंगे, तो बस हम इसे खुले में ही पकाना है भगोने में। तो इसमें हम मसाले को बिल्कुल भी कच्चा ना रहे मसाला, बहुत अच्छी तरीके से जितना अच्छा मसाला भुनेंगे आप उसकी इसकी जो है खुशबू इतनी ही अच्छी आएगी और इतनी ही अच्छी तरीके से ये पकेगा। तो बस देखिए मैंने यहाँ पर पानी डाल दिया था, तो पानी क्या होता है इसमें थोड़ा सा ज़्यादा डालेगा, क्योंकि इसकी ग्रेवी जो होती है सब थोड़ी सी ज़्यादा ही रखी जाती है। और यहाँ मैंने डाला है 1 चम्मच कसूरी मेथी, अपने जो मैंने ग्रेवी बनाई थी उसी में मैंने कसूरी मेथी डाल दी यहाँ पर। और कसूरी मेथी का आप ज़रूर यूज़ करिएगा, इसमें कसूरी मेथी से इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। और बस हमने जो अल्टे बल्टे अपने तैयार करके रखे थे सारे के सारे मैं इसमें ये डाल दूंगी, सब मैंने देखिए डाल दिए थे। और इसके बाद मैं इसे ढककर लगा के हल्की आंच पे रख दूंगी पकने के लिए, ताकि हमारा जो मसाला है, जो भी हमारा फ्लेवर है मसाले का, सारा हमारा अल्टे पलटे में एकदम से अच्छे से आ जाए। तो देखिए मैंने बस 5 मिनट के लिए इसको हल्की आंच पे, बिल्कुल लो फ्लेम पे मैंने इसे ढक के रख दिया था, और ये बिल्कुल अल्टे पलटे हमारे तैयार हो चुके हैं। ऊपर देखिए कितनी अच्छी ग्रेवी है और कितना अच्छा कलर आया, देखिए बिल्कुल भी टूटे नहीं है किस अच्छी तरीके से। जब हमने इसमें अल्टे पल्टे डाले थे अपनी ग्रेवी के अंदर, तो बिल्कुल भी मैंने चम्मच नहीं चलाया था उसमें, उस टाइम पे आप बिल्कुल भी चम्मच नहीं चलाएं, बस ऐसे ही ढक के इसको थोड़ी देर के लिए रख दें लो फ्लेम पे, ताकि ये बिल्कुल अच्छे से गल जाए अंदर से भी, और इसमें जो इसका फ्लेवर है सारा हमारा इसमें आ जाए। तो बस अब हम इसको डिश आउट करेंगे। और देखिए मैंने अब इस एक डिश में निकाला है, और ये कितने ज़्यादा टेस्टी लग रहे हैं खाने में, तो ये इतने ज़्यादा टेस्टी थे, ये सब लोगों ने मतलब इतनी तारीफ़ करी जब मैंने ये बनाए थे। तो बस अब हम इसे गार्निश कर लेंगे थोड़े से हरे धनिया के पत्ते के साथ, और 2-4 मैंने इसमें हरी मिर्च डाल दी ऊपर से, और ये बिल्कुल तैयार है खाने के लिए। तो आप भी बनाएं ये अल्टे पुल्टे, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं खाने में, और मतलब बनाने में इतने ही आसान है, बिल्कुल भी हार्ड नहीं होते हैं बनाने में। जब आप बनाएंगे तो बहुत ही आसानी से और बहुत ही जल्दी से बन जाएंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं आपसे मिलूँगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।